नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो अग्री चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नए राज्यों की राजधानियां व संघ शासित प्रदेशों की नई राजधानियां कौन कौन सी बनाई गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की नई राजधानी क्या है। दोनों को मर्ज कर दिया था, दोनों यूटी को मर्ज कर दिया गया था, दमन सिलवासा द्वीप या नागर हवेली। तो नई राजधानी इन दोनों की क्या बन गई है, दोनों यूटी एक मिक्स कर दी गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दमन, यानी कि इन दोनों की जो संघ शासित प्रदेश हैं ये दोनों मर्ज होकर इनकी एक राजधानी कहलाएगी, वो कहलाएगी दमन। इन जो संघ शासित प्रदेश हैं इन दोनों को मर्ज कब किया गया था, तो वो 26 जनवरी 2020 में किया गया था। ठीक है, दोनों यूटी को मिला दिया गया था 2020 में। ठीक है, याद रखे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दमन की मैं बात करूं और सॉरी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की मैं बात करूं, तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कह दें या कोई भी कह दें, जो प्रशासक होता है संघ शासित क्षेत्रों का, वो हैं फ्रेंड्स इधर के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, याद रखिएगा प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। ठीक है, याद रखिएगा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उत्तराखंड की नई राजधानी क्या बनाई गई है, तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन, हरिद्वार, ऋषिकेश, गैरसैंण या रानीखेत। तो वो बनाई गई है फ्रेंड गैरसैंण। ठीक है, ये एक तरह की समर कैपिटल बनाई गई है उत्तराखंड की, और जो पुरानी जो कैपिटल है देहरादून, वो एक तरह की विंटर कैपिटल है। ठीक है, देहरादून में लिख देता हूँ, देहरादून ये फ्रेंड विंटर कैपिटल है। ठीक है, विंटर है, और समर अभी गर्मियों के लिए बनाई गई है गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड में ही है और ये नई राजधानी है उत्तराखंड की। और इसके बारे में बता दूं फ्रेंड उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। और फ्रेंड्स ये और बता दूं, उत्तराखंड की जो सेकंड लैंग्वेज है, पहले तो हिंदी है और दूसरी जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंड संस्कृत। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, दूसरी जो भाषा है ऑफिशियल वो संस्कृत है उत्तराखंड की। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के करंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं फ्रेंड्स त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। बात करूँ मैं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं फिर बेबी रानी मौर्य। आप बेबी से नाम याद कर सकते हैं, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र की नई राजधानी क्या होगी, तो महाराष्ट्र की नई राजधानी है फ्रेंड्स नागपुर। नागपुर जो राजधानी कहलाएगी वो विंटर कहलाएगी। ठीक है, विंटर के लिए जो महाराष्ट्र ने नई राजधानी बनाई है वो नागपुर को बनाया है। और यहाँ के बात करूँ इस स्टेट की, तो महाराष्ट्र को जो गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं और मजदूर दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड 1960 में ही महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों का गठन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो कि अभी बने थे वो हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, कौन है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो करंटली राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। आप भगत सिंह के नाम से याद कर सकते हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की नई राजधानी क्या है, नई राजधानी का मतलब फ्रेंड बहुत पहले ही बन चुकी है। ठीक है, लेकिन जो नई राजधानी है वो है फ्रेंड्स धर्मशाला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नई एक और राजधानी है वो है शिमला मेन, और दूसरी जो राजधानी बनाई थी वो धर्मशाला को बनाई थी। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1971 में हो गया था। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स ये यूनियन टेरिटरी थी। 1956 में हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी थी, जिसका 1971 में बाद में ये एक स्टेट बना दिया गया। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है शिमला और धर्मशाला दोनों हैं। बात करूँ इसके फ्रेंड चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी के जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। बात करूँ यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है फ्रेंड्स बंदारू दत्तरेया यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इसकी जो दूसरी भाषा है ना हिमाचल प्रदेश की, वो संस्कृत है। ठीक है, उत्तराखंड की तरह, याद रखिएगा। इसने अभी 2019 में ही बनाई थी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सेकंड, तो इसकी भी जो दूसरी लैंग्वेज है ना
संस्कृत है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की दूसरी लैंग्वेज दोनों है वो संस्कृत है, ये याद रखना। बात करो अगला, तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या बनाई गई है, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, श्रीनगर बनाई गई है और एक फ्रेंड जम्मू बनाई गई है, ठीक है याद रखिएगा। जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, जो नई राजधानी है, एक है फ्रेंड्स श्रीनगर और एक है फ्रेंड्स जम्मू, ठीक है। और बात करूँ मैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर जो एज ए कैपिटल काम करेगी वो काम करेगी मई से अक्टूबर के बीच, ठीक है मई से अक्टूबर के बीच। और बात करूँ फ्रेंड जम्मू का करेगी वो नवंबर से अप्रैल के बीच करेगी, फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। एक श्रीनगर है एक जम्मू है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, इस राज्य का जो यूनियन टेरिटरी है, इसका जो गठन हुआ था वो 31 अक्टूबर, पूछा जा सकता है एग्जाम में 2019 को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को अलग कर दिया है, यानी कि दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो डेट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है याद रखना। और यहाँ के जो करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं जी सी मुर्मू, यहाँ कहते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है याद रखना, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। बात करूँ अगला, लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लद्दाख की जो राजधानी है फ्रेंड वो ले, और ले जो करेगी वो समर के लिए करेगी और कारगिल जो करेगी वो विंटर के लिए करेगी। तो लद्दाख की दो नई राजधानियां हैं, ठीक है, टोटल जो यूटी हो गई हैं वो 8 हो गई हैं अब, ठीक है, क्योंकि इनमें से दो मर्ज भी हो गई थी, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो टोटल भारत में कितनी है यूटी, 8 यूटी हैं। और लद्दाख की जो नई राजधानी है वो कारगिल और लेह हैं, ठीक है याद रखना। और लद्दाख का जो फ्रंट एरिया है ना यूटी में वो सबसे बड़ा है, ठीक है, लद्दाख का पहला रैंक है सबसे ज़्यादा एरिया में, याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी यूटी है वो लद्दाख की है, ठीक है ये याद रखना। और यहाँ की मैं बात करूँ तो इस जो यूटी का गठन 31 अक्टूबर 2019 में ही हो गया था, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही डेट में बनाए गए थे। और करंटली यहाँ के जो राज्यपाल हैं, या कहते हैं फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो राधा कृष्ण माथुर हैं, राधा कृष्ण माथुर यहाँ के गवर्नर है। बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ के एक एमपी भी हैं बीजेपी की तरफ से, एमपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनका नाम है जामयंग, लिख देता हूँ जामयंग शेरिंग नामग्याल, ठीक है यहाँ के एमपी हैं बीजेपी की तरफ से, जामयंग से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ के लद्दाख के एमपी है एकमात्र। बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो छत्तीसगढ़ की नई राजधानी क्या बनाई गई है, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, छत्तीसगढ़ की जो नई राजधानी है वह है नया रायपुर, ठीक है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था, और करंटली इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं फ्रेंड्स भूपेश बघेल, ठीक है नाम याद रखना, भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और बात करूँ यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर हैं यहाँ अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है फ्रेंड अमरावती हो गई है नहीं, ठीक है अमरावती मैं बता दूं तो अमरावती फ्रेंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आंध्र प्रदेश के, और इसे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया है। वैसे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा करी थी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ काम करेंगी, उनके जो नाम है फ्रेंड्स अमरावती है और कर्नूल है और विशाखापट्टनम, 3 राजधानी काम करेंगी, कर्नूल अमरावती और विशाखापट्टनम, आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम फ्रेंड्स और जो रेलवे का 18वां जोन बना है ना उसका भी हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, ठीक है याद रखना, ठीक है जो साउथ कोस्ट रेलवे है 18वां जोन उसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में ही स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है विशाखापट्टनम, कुन्नूल और अमरावती, ठीक है मेन जो कैपिटल है वो अमरावती है, ठीक है ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है याद रखना। मैं बता दूं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है याद रखना। और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं YS जगमोहन, आप जगमोहन से याद कर सकते हैं, जगमोहन पीछे YS लगाते हैं, जगमोहन रेड्डी, ठीक है रेड्डी लगाते हैं, जगमोहन रेड्डी यहाँ के CM है। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है
हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें मैंने बताया जो यूटी हैं और नए राज्य हैं उनकी जो राजधानी बनाई थी नई है हाल फिलहाल ही में, उसके बारे में बताया और उसके राज्य व यूनियन टेरिटरी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।